असाइनमेंट नंबर 62 है ये, फ्लूड प्रेशर। फ्लूड प्रेशर में सबसे पहले ये बताया गया है कि फ्लूड प्रेशर क्यों एग्जिस्ट करता है या क्यों होता है। एक मॉलिक्यूल क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल से घिरा होता है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जिस वजह से एक मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स क्या ओरिजिनेट करेगा? प्रेशर। एक पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है हर तरफ से, प्रेशर। नो डाउट ये मॉलिक्यूल भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, तभी तो प्रेशर की डायरेक्शन एक नहीं होती, प्रेशर की बहुत सारी डायरेक्शन होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल हर तरफ से फोर्स लगाते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, कम से कम इसको फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। मेन चीज इसमें यही है, ये कुछ नहीं करना आपने, फ्लोटेशन प्रिंसिपल बस ये बता रहा है। फ्लोटेशन प्रिंसिपल में कि मॉलिक्यूल इसके एक्चुअल में बहुत सारी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक सब्सटेंस तैर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्योंकि बॉडी सही एक जगह पे फ्लोट कर रही है तो हॉरिजॉन्टली मूव तो करती नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सारे मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ कैंसल कैंसल। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या हो जाती है? कैंसल। वर्टिकल फोर्सेस ऊपर की तरफ है जो वेट को बैलेंस करते हैं, इसलिए बॉडी तैरती है। इसको आर्किमिडीज ने हालांकि बहुत अलग तरीके से समझाया, तो हम इसको देखेंगे, बट एक्चुअल रूल यही है कि मॉलिक्यूलर की जो फोर्सेस हैं वो बॉडी को ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करती हैं और जो वेट को बैलेंस कर जाती हैं। नेक्स्ट है जो प्रेशर है किसी पॉइंट के ऊपर, वैसे जो प्रेशर होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। अगर पॉइंट लेना है तो एरिया की लिमिट क्या लेनी पड़ेगी? जीरो। इसको पॉइंट बोला जाता है, डेल्टा ए अप्रोचिंग टू जीरो, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ सबको पता है कि हर तरफ पर हर पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर एक बंद फ्लूइड है हर तरफ से क्लोज फ्लूइड है, अगर यहां प्रेशर पी है तो हर पॉइंट पर, अगर आप प्रेशर पी यहां डेवलप करते हो तो हर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू विल रिमेन सेम। क्लियर यहां तक? वैसे से पहले इलास्टिसिटी का चैप्टर भी है, मैंने प्रेशर से स्टार्ट किया है। इलास्टिसिटी की शीट तो नहीं मिली इसमें अभी, इलास्टिसिटी की शीट नेक्स्ट टाइम दे दूंगा अभी, ठीक? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फ्लूइड प्रेशर से स्टार्ट किया हमने, तो इसमें ये बताया हुआ है कि फोर्स बाय एरिया, यहां पर एफ फोर्स है और ए एरिया है, यहां पर 2F फोर्स है तो 2A एरिया है, यहां पर F by 2 फोर्स है तो A by 2 एरिया है, ताकि प्रेशर की वैल्यू क्या रहे एग्जैक्टली सेम। डेंसिटी ऑफ वाटर SI में 1000 है और CGS में 1 है, ये याद रखना है। और रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही बात है, हाथ खड़ा करो यहां शीट्स के लिए, तो एक ही बात है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ये यहां पे करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में करवाऊंगा में करेंगे। अभी आप मेन मेन चीजें देखो कि अगर ये लिक्विड है और लिक्विड की हाइट कंटेनर में h है, कंटेनर में h है, तो लिक्विड का वेट कितना है? वेट एरिया इनटू h क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या है? मास। मास इनटू g क्या है? वेट, अपॉन एरिया, जितना भी एरिया है जहां पर ये वेट लग रहा है। तो प्रेशर कितना आएगा? h इनटू रो, कर लो, उसे p नहीं है वो, h रो g। तो बॉटम के ऊपर अगर प्रेशर की बात करते हैं तो बॉटम पे प्रेशर क्या लगेगा? एच रो जी प्रेशर लगेगा। नेक्स्ट है प्रेशर या एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। इसमें सिर्फ एक चीज बताई गई है कि अगर एक लिक्विड है और ये लिक्विड का पोर्शन है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में लिया हुआ है, कोई सिलेंडर नहीं है, लिक्विड का ही पोर्शन इन शेप ऑफ सिलेंडर है, इसका वेट, क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। तो नेट फोर्स में पानी ऊपर के, जो ऊपर का पानी है सरफेस के, वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1, और नीचे से भी क्या फोर्स लग रही है? F2, और वेट कितना है? mg। तो F1 plus mg must be equal to m2, F2. तो F1 plus mg is F2. Force क्या होगी? ऊपर का pressure into area. Force क्या होगी? नीचे का pressure into area. और mass क्या होगा? Volume into density. Volume क्या होगा? Area into height. तो यहाँ से अगर हम pressure difference निकालें P1 minus P2 तो h rho g आएगा। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी container है जिसमें liquid है, तो अगर ये A point है, ये B point है, और इनमें अगर height h है, तो यहां का प्रेशर अगर P1 है, यहां का P2 है, तो P2 P1 से बड़ा होगा बाय एन अमाउंट ऑफ एच रो जी। बस ये रिजल्ट इतना ही आपको आना चाहिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, ठीक? मेन मेन चीजें करेंगे सीधा और फिर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जो ये बताता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें चाहे उसकी शेप छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे कैसी भी है, लेकिन लेवल ऑफ लिक्विड तीनों में सेम है, तो अंडर ग्रेविटी तो प्रेशर नीचे से एग्जैक्टली सेम लगेगा, एच रो जी, एच रो जी और एच रो जी। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, इसमें लंबी स्टोरी है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, यहां पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया,
ए और बी दो पॉइंट्स हैं, एच डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो ए का प्रेशर बी से बड़ा होगा, पी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू एच रो जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट बिल्कुल सरफेस पे है, तो सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, पी एटमोसफेयर, इसके ऊपर पानी तो है ही नहीं, तो सिर्फ पी एटमोसफेयर। और ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी एटमोसफेयर तो होगा ही होगा प्लस एच रो जी। तो इसलिए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पी ए माइनस पी बी का मतलब क्या है, एच रो जी। और क्यों मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि पी ए का मतलब है, पी ए का मतलब क्या है, एच रो जी प्लस पी एटमोसफेयरिक, और पी बी का मतलब पी एटमोसफेयरिक, तो माइनस करेंगे पी एटमोसफेयरिक दोनों तरफ से कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ एच रो जी। तो ये रिजल्ट तो सीधे लगाया जा सकता है। बी के ऊपर प्रेशर क्या है, पी एटमोसफेयरिक, उल्टा भी बोल सकते हैं, पी एटमोसफेयरिक राइट पे गया तो बता ही दिया मैंने, ए पे प्रेशर क्या होगा, पी एटमोसफेयरिक तो होगा होगा, साथ में एच रो जी पे होगा, ये पता होना चाहिए। इसमें ये पता होना चाहिए, शेप चाहे कैसी भी हो आपकी पाइप की, अगर ये हाइट एच है हर पाइप में, तो प्रेशर यहां पर सेम रहेगा, पी एटमोसफेयरिक प्लस एच रो जी, पी एटमोसफेयरिक एच रो जी, पी एटमोसफेयरिक एच रो जी, ये आपको ये बताएगा। उसी तरीके से शेप चाहे कैसी भी हो, अगर आपका पॉइंट एक्स है और ग्रेविटी का अफेक्ट यहां पर एच है, एच हाइट है, तो यहां पर भी पानी का जो प्रेशर होगा वो पी एटमोसफेयरिक प्लस एच रो जी ही मार्क करना है, टेढ़ी मेढ़ी पाइप का कोई फर्क नहीं, ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल देखी जाती है हमेशा, और वर्टिकल हाइट एच है इसमें। अगर मान लो लिक्विड के लेवल से ये पॉइंट्स हैं एक्स वाई एंड जेड, और तीनों लेवल, तीनों एच डिस्टेंस नीचे हैं, तो तीनों के ऊपर प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी। अगर मान लो ये बात करते हैं, तो यहां पर अगर एक पाइप जा रही है इस तरीके से, और एच हाइट डाउन है, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, तो प्रेशर की वैल्यू तीनों में एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर इसके अंदर इसमें बताया गया है यूट्यूब में, जैसे ये पानी नहीं है, प्लीज गलती से बन गया, ये वाटर नहीं है, ये वाटर नहीं है, ठीक। तो इसके अंदर आप इसको छोड़ो यार, ये तो पता लग ही रहा है कि डी पॉइंट का प्रेशर सी से बड़ा होगा जी, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि सी तो बिल्कुल हवा का पॉइंट है, यहां तो पानी है ही नहीं, तो सी के ऊपर तो एटमोस्फेरिक है बस, पर डी के ऊपर एटमोस्फेरिक भी है प्लस एच रो जी भी है, तो डी के ऊपर एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। तो बस ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अगर मैं ये पूछूं कि यहां का प्रेशर क्या होगा, तो एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेरिक, यहां का प्रेशर क्या होगा, एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेरिक, यहां का प्रेशर क्या होगा, सिर्फ पी एटमोस्फेरिक। तो ऐसे इसमें समझाया गया है, और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें ये गिवन है कि अगर ये टैंक है, और इस टैंक के अंदर कोई ए पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहां से एच और पी एटमोस्फेरिक है, और ये टैंक रेस्ट पे पड़ा हुआ है, या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर ये रेस्ट पे है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ए पॉइंट पर इसका जो प्रेशर बनेगा वो पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी बनेगा, ठीक, समझ में आता है। ये तो अभी हमने किक कर ही लिया, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। लेकिन अगर ये वेसल आगे एक्सलरेट करता है, ये एक्सलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स से पानी का लेवल पीछे हो जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो यहां पर अगर कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं या कोई भी पॉइंट लेते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस मॉलिक्यूल पे ए पीछे लगेगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, सूडो जो फोर्स, क्योंकि ये कंटेनर ए के साथ इधर जा रहा है, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे लगेगी, और एक्सेलरेशन सूडो फोर्स की वजह से क्या लगेगी, ए पीछे लगेगी। तो अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जाए तो नेट अफेक्टिव जी क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जी अफेक्टिव है, और ये एंगल क्या है, थीटा, तो जी अफेक्टिव है, तो कितना एंगल है ये थीटा, जितना ये एंगल थीटा है उतना ही एंगल थीटा इंक्लाइन प्लेन वाली सेम स्टोरी जो लॉज ऑफ मोशन में करते थे। तो टैन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय जी। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, एंगल बताओ ये एंगल या नेट जी बताओ, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके नेट जी और एक्स एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। आ रहा है अभी क्लोज वेसल आ रहा है, एक मिनट, ओपन क्लियर है, क्लोज भी आएगा अभी। तो इसमें जैसे फिर चेंज कर दिया, इस बार वर्टिकल हाइट एच नहीं दी, टेढ़ी हाइट एच दे दी, जहां पर जी अफेक्टिव था, तो जी अफेक्टिव इस तरफ है, तो जिसपे पी एटमोस्फेरिक है, जी अफेक्टिव गिवन है, तो यहां पर जो प्रेशर है वो लिखा जा सकता है पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, नहीं एच रो जी अफेक्टिव, क्योंकि हमें हाइट अगर सीधी गिवन होती मैं एच रो जी लेता, पर मेरे को जी अफेक्टिव की लाइन में अगर हाइट गिवन है तो यहां पर जी अफेक्टिव आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी अफेक्टिव। फिर देखते हैं, मान लो फिर एक बार कंटेनर जो है वो राइट जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये जो कोने का पॉइंट है, या और ऑब्वियसली लेवल ऊपर उठ जाएगा एट एन एंगल ऑफ थीटा, जो कोने का पॉइंट है यहां पर पी एटमोस्फेयर है, और इस बार हाइट टेढ़ी नहीं है, जी अफेक्टिव नहीं है, हाइट सीधी है, हाइट अगर सीधी है तो ए पॉइंट है और यह डिस्टेंस एल है, तो
तो मैं इसमें वर्टिकल में भी प्रेशर की इक्वेशन और हॉरिजॉन्टल में भी प्रेशर की इक्वेशन लगा सकता हूं। वर्टिकल में ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा बताओ, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, इफेक्टिव नहीं एच रो जी, क्योंकि यहां का प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? और उसी तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टल में लगाता हूं तो पीछे पॉइंट का प्रेशर आगे से ज्यादा होगा ड्यू टू सूडो फोर्स, कितना, पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक, पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू एच रो जी में एच की जगह एल रो और जी नहीं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन क्या चल रही है ए, तो यहां पर जी नहीं आएगा यहां पर ए आएगा, तो यहां से पी एटमोस्फेरिक राइट गया, करेक्शन कर लो यहां पर ए करोगे, जी नहीं आएगा ए आएगा, हॉरिजॉन्टल में लगाना आ गया, वर्टिकल में लगाना आ गया, ठीक है यहां तक। तो जैसे अगर यह बंद कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, बिल्कुल बंद है, तो अगर एक्सेलेरेट करेंगे तो यह डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना दिया ताकि सूडो फोर्स हिल तो सकता नहीं पानी पर, मॉलिक्यूल थोड़ा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो इनके अंदर मैंने ए पॉइंट लिया, अब ए पॉइंट के ऊपर ना तो एटमॉस्फेयर है और ना ही पानी है, कोने का मॉलिक्यूल है, तो यहां का प्रेशर क्या होगा, मिनिमम जीरो। यहां का ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट बी है और ये एच है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल में लगाता हूं तो क्यू प्रेशर एट क्यू माइनस प्रेशर एट बी एल रो जी नहीं एल रो ए, और अगर वर्टिकल में लगाता हूं तो इस केस में पी एट बी, यहां लगाता हूं पी एट बी माइनस पी एट ए इज एच रो जी, क्योंकि हाइट एच है और प्रेशर एट ए क्या है जीरो, तो पी बी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करके पी क्यू कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब ये मैं कोई ये नहीं बता रहा कि आंसर आएगा, मैं ये बता रहा हूं कि आप हॉरिजॉन्टल में दो पॉइंट्स ले लें कोई भी, आप वर्टिकल में कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, वहां का प्रेशर डिफरेंस आपको कैसे लेना है बस ये पता होना चाहिए, ठीक। जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक वेसल है जिसकी जो है जिसके अंदर कंटेनर है और इसमें वाटर है, तो होता क्या है कि मॉलिक्यूल वेसल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये री फोर्स ऐसे, तो मॉलिक्यूल वेसल के ऊपर, वेसल मॉलिक्यूल के ऊपर लगाता है, तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस तरफ नेट फोर्स लग रही है, चेक करो, तो इनके हर फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा पानी के क्या करते हैं कैंसल, सारे वर्टिकल कंपोनेंट मिलाओगे तो कहां आएंगे ऊपर आएंगे, तो नेट ऊपर का जो कंपोनेंट है जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स तो जीरो है, वर्टिकल के अंदर ये सब ऐड करोगे इनके नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल टोटल फोर्स सभी वर्टिकल फोर्सेस को क्या लिखा जाता है सिग्मा एनवी, सिग्मा एनवी का मतलब नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल कंपोनेंट। अब क्योंकि पानी इक्विलिब्रियम में ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस, तो एक तो ये दीवार के कंटेनर पे एन वर्टिकल लगेगा सारा ऐड कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और एक और फ्लोर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है क्योंकि पानी फोर्स लगा रहा है, तो रिएक्शन एन वन लग रहा है, सिग्मा एनवी भी ऊपर है, एन वन भी ऊपर की तरफ है लेकिन वेट पानी का नीचे है, तो क्वेश्चन आएगा कि दीवार ने कितनी वर्टिकल फोर्स लगाई वो निकाल लो, तो सिग्मा एनवी आएगा mg माइनस एन वन, और यहां फोर्स होगी क्या प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर यहां पर क्या होगा एच रो जी इंटू एरिया, तो यहां से सिग्मा एनवी कैन बी कैलकुलेटेड। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है अगर ये अनइवन हुआ, अजीब सा हुआ है, जैसे मुझे मालूम नहीं पड़ रहा क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो बाहर फोर्स लगा रहे हैं तो कंटेनर के ऊपर भी यहां फोर्स लगेगी, तो एक्चुअल में ऊपर इस लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है और नीचे देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा, हॉरिजॉन्टल तो ऑब्वियसली क्या कर जाएगा कैंसिल, अब या तो सिग्मा जो एनवी ऊपर आएगा नेट या फिर नीचे आएगा, अगर तो बराबर बराबर हुए तो सिग्मा एनवी आपस में कैंसिल भी कर सकता है, मुझे नहीं पता लग रहा इसमें क्या होगा, तो मैंने ये केस बना लिया, मान लिया कि सिग्मा एनवी मान लो अपवर्ड है, पानी है तो इक्विलिब्रियम में, सिग्मा एनवी अपवर्ड है, फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, वेट इसमें नीचे है, तो इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू एम जी, सिग्मा एनवी कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन हो सकता है सिग्मा एनवी अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड हो, तो सिग्मा एनवी डाउनवर्ड है, एन वन अपवर्ड है, वेट भी डाउनवर्ड है, तो यहां से इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाएंगे तो सिग्मा एनवी की वैल्यू यहां से can be calculated, और n1 का मतलब pressure into area, pressure into area, वो depend करेगा question to question, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा इसका question कैसे आता है, concept clear है यहाँ तक, equilibrium कैसे बनेंगे इसमें, उसी तरीके से जैसे ये same question है, इसमें नहीं करेंगे, ये देख लेते हैं, rather ये भी अभी दो मिनट बाद देख, चल देख ले, अब thrust का पता ही आप लोगों को, तो जैसे suppose करो एक धागे से एक पत्थर को लटका दिया या किसी object को लटका दिया, ये weighing balance है, weighing scale है, पानी है यहां पर, तो ये स्केल क्या वे करेगा ये आपको बताना है, कोई कहता है पानी का वेट वे करेगा,
कोई कहता है पानी का वेट तो करेगा करेगा, इसका वेट भी साथ में आएगा। कोई कहता है इसका वेट नहीं आ सकता क्योंकि ये तो हवा में लटका हुआ है, किसी और ने पकड़ा हुआ है, जोर तो किसी और ने लगाया, ये फ्लोर पे नहीं है तो फ्लोर पे वेट लगा नहीं पाएगा। तो रूल ये है कि वाटर इसके ऊपर क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट। अब क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो अगर वाटर इस ब्लॉक के ऊपर अप थ्रस्ट लगाएगा तो ब्लॉक वाटर के ऊपर डाउनवर्ड इक्वल एंड ऑपोजिट यू जितनी ही फोर्स लगाएगा, जो हम लेते नहीं है कभी भी, क्योंकि हम तो कंटेनर का कभी मास तो लेते नहीं, पानी का मास तो लेते नहीं, जो जहां वो तैर रही होती है बॉडी पर। एक्चुअल में रूल ये है कि अगर पानी इसके ऊपर यू लगाता है तो पानी के ऊपर भी यू लगाता है, और फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन एन है। अब आप ये देखो कि जो ये वेट करेगा, ये वेट एम जी जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पूरा सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम है, मुझे समझ में आता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन एन है, एन ये कौन सी फोर्स है, अपवर्ड है इस फ्लोर पे, और कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एक यू कर रही है नीचे की तरफ, और पानी का खुद का वेट क्या कर रहा है, एम जी। पत्थर का वेट डब्ल्यू नहीं होगा क्योंकि वो तो स्ट्रिंग से बांध के रखा हुआ है, पत्थर सिर्फ पानी में क्या लगा रहा है, अप थ्रस्ट का रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी, और अप थ्रस्ट इज वी इनटू रो इनटू जी, अभी डिस्कस करेंगे। तो जितना पानी का वेट है उससे थोड़ी सी ज्यादा रीडिंग आएगी बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट, कम नहीं आएगी ज्यादा आएगी। तो रीजन पता लग रहा है क्यों आ रही है, बिकॉज अप थ्रस्ट जो स्टोन है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, जिससे कि रीडिंग बढ़ जाएगी पानी की। तो एक्चुअल में थोड़ा जल्दी आ गया, ये है आर्कमिडीज प्रिंसिपल। वो इसको यहां से नहीं करेंगे हम, आर्कमिडीज को नेक्स्ट शीट से करेंगे, 63 नंबर शीट जो है आर्कमिडीज प्रिंसिपल, जिसमें ये बताया गया है कि आर्कमिडीज प्रिंसिपल को दो तरीके से हम करेंगे। एक जिसमें हम ये मानते हैं कि बॉडी सिंक, बॉडी तैरती नहीं है, ये प्लीज फ्लोटेशन प्रिंसिपल नहीं है, बस लोहे की बॉल को पानी में डाल दिया, किसी भी चीज को अगर आप पानी में डालेंगे वो तैरे या डूबे, पानी अपथ्रस्ट तो लगाएगा। तो अगर ये मान लो पानी, बॉडी का वेट हवा में 10 न्यूटन है, पानी में 8 न्यूटन है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपथ्रस्ट ऊपर क्या लगा होगा, 2 न्यूटन, तो 10 में से 2 हो गया तभी 8 आया, तो इस बॉल ने पानी को डिस्प्लेस किया होगा। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा अकॉर्डिंग टू आर्कमिडीज, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट या अपथ्रस्ट एक ही बात है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस और अपथ्रस्ट में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों एक ही चीज होती है। तो ये आर्कमिडीज ने प्रिंसिपल बनाया कि अगर बॉडी का वेट W1 है, पानी के अंदर W2 है, तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अपथ्रस्ट। पहला इसकी इसकी प्रॉब्लम क्लियर है। उसी तरीके से अगर बॉडी फ्लोट करती है, तैरती है, वो तो तैर नहीं रही थी, अगर ये तैरती है तो ये वाला पोर्शन, अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो हवा में वी डैश है, पानी में वी माइनस वी डैश है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड में किसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, इस सबमर्ज पोर्शन ने, तो इसका वॉल्यूम, क्योंकि वेट ऑफ इसका वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम एक ही बात है, क्योंकि हम किसका वेट निकाल रहे हैं, लिक्विड का, तो डेंसिटी भी किसकी लगाएंगे, लिक्विड की इनटू जी, और यही क्या होता है अब थ्रस्ट, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस या अब थ्रस्ट वन एंड दी सेम थिंग, एक ही बात होती है। और रूल ये बोलता है कि अगर ये बॉडी फ्लोट करती है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी, क्योंकि होल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब ही क्या होता है, अपथ्रस्ट। इसका मतलब अपथ्रस्ट ने बॉडी के होल वेट को क्या किया, इक्वेट किया, एक ही बात है। तो होल वेट में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम वी, बॉडी की डेंसिटी इनटू जी, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हमने निकाल दिया, तो इक्वेशन कैसे लगेगी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। इसकी एप्लीकेशन है, जैसे कि इसकी एप्लीकेशन है आइसबर्ग प्रॉब्लम। एक आइसबर्ग है और ये कुछ पानी के अंदर है, कुछ पानी के बाहर है, और सी वाटर में है, और सी वाटर की डेंसिटी आपको गिवन है और आइस की डेंसिटी भी आपको गिवन है। कह रहे कितना फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज अबव द लेवल ऑफ द सी वाटर, कितना पोर्शन ऊपर है। तो अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो ये कितना वी डैश है, तो ये कितना वी माइनस वी डैश है। आपको क्या निकालना है, कितना फ्रैक्शन ऊपर है, तो वी डैश बाई वी इंटू 100 निकालना है। तैर रही है बॉडी, आर्कमिडीज क्या कहता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और लिक्विड यहां पर कौन है, सी वॉटर। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, होल वेट में टोटल वॉल्यूम और बॉडी कौन है इसमें, आइस, तो आइस की डेंसिटी इंटू जी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, इन्हें इक्वेट करेंगे और यहां से वी डैश बाई वी की फ्रैक्शन आएगी, 100 से मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज आएगा। तो आर्कमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कुछ नहीं है इसमें, बस ये कुछ नहीं करना आपने, आपको एक बड़ी सिंपल सा ये याद ही होता है लोगों को वैसे ये, कि अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से बड़ी है फिर तो बॉडी तैरेगी, ऊपर आके तैरेगी,
अगर लिक्विड बॉडी की डेंसिटी बड़ी है लिक्विड से तो बॉडी डूबेगी, और अगर बराबर है तो फिर ये ऊपर आके नहीं तैरेगी, जहां रखोगे वहीं की वहीं टिकी रहेगी, ना ऊपर आएगी ना नीचे जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। ये तीन रिजल्ट्स हैं जो कॉमनली लोगों को वैसे ही पता होते हैं, तो इसका प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 4 है तो बॉडी की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, SI में 1000 है तो बॉडी की डेंसिटी 4000 हो जाएगी, और CGS में 1 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगी। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी क्लियर है यहां तक? ठीक, जैसे एक ये ट्यूब है और ट्यूब में इस तरफ स्पिरिट है, इस तरफ मरकरी है एच, और एच सेम लेवल पे, और इस तरफ वाटर है, तो ये ना इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि एक लिक्विड भारी है एक हल्का है। तो यहाँ का जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, आपने एच रो जी प्लस एच रो जी इज इक्वल टू एच रो जी प्लस एच रो जी। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, स्पिरिट है, तो 12.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी, एच रो जी एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, एच रो जी में एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, एच रो जी में एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। यहां से सॉल्व करके डेंसिटी ऑफ स्पिरिट और वाटर की रेशियो
जिसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। ये निकालना है इसमें रिलेटिव डेंसिटी। बट चलो जो निकालना है वो छोड़ो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यूट्यूब देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि एच रो जी को इक्वेट कर देना है। उसी तरीके से वो कह रहा है मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने स्पिरिट का लेवल चेंज कर दिया और मैंने वाटर का लेवल भी चेंज कर दिया, तो मरकरी का लेवल भी चेंज हो गया, तो बोलो एच टू माइनस एच वन क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। एच रो जी स्पिरिट के लिए प्लस एच वन रो जी मरकरी के लिए, एच टू रो जी मरकरी के लिए और एच रो जी वाटर के लिए इक्वेट कर दो, अपने पास आ जाएगा एच टू माइनस एच वन। तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैलकुलेशन क्लियर है, हो जाएगी। अब जैसे ये सिंपल है, इसको एक बार घर जाके देखना, जैसे ये रहा, ये भी आर्कमिडीज के ऊपर है, ये देख लो, पीस ऑफ आयरन वेज 400 ग्राम फोर्स इन वाटर, पानी के अंदर वेट गिवन है, एक्चुअल वेट नहीं गिवन, डेंसिटी ऑफ आयरन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालो। अब ये तैर थोड़ी ना रहा है, ये तो डूबेगा, बट हाँ इसका वेट लॉस तो होगा। तो मैंने क्या करवाया था, अमाउंट ऑफ वेट लॉस इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो क्योंकि आयरन का वेट कितने पानी में, 400 ग्राम फोर्स, 980 से मल्टीप्लाई करोगे तो डाइंस, तो वेट डब्ल्यू टू आ गया। डब्ल्यू वन में मास तो पता नहीं आयरन का, इंटू 980 सीजीएस चल रहा है, और मान लो आयरन का वॉल्यूम वी है तो पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस भी वी है, इंटू क्योंकि अब थ्रस्ट है या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है तो डेंसिटी वाटर की इंटू जे। तो यहां पर मास को लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है आयरन की, सॉल्व करके आपके पास मास आ गया, मास आ गया तो मास अपॉन डेंसिटी करके वॉल्यूम आ गया, यही आयरन का वॉल्यूम है और यही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। एक ही चीज है, आयरन का वेट आपको किस में गिवन है, पानी में गिवन है, मास नहीं गिवन ना, तो एक्चुअल वेट तो पता नहीं। पानी के अंदर वेट गिवन है तो पानी का वेट डब्ल्यू टू है, कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज लॉस इन वेट, आयरन का आयरन के साथ ही, हवा में इतना वेट है, पानी में इतना वेट है, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड या वाटर डिस्प्लेस। तो यहां से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वॉल्यूम ऑफ आयरन है वो सेम है, क्योंकि पूरे का पूरा आयरन जा चुका है पानी में, वहां से मास आएगा फिर वहां से वॉल्यूम आएगा। आर्कमिडीज की प्रॉब्लम थोड़ी सी बैठ के, कौन सी चीज है, कुछ नहीं, आर्कमिडीज में चार प्रॉब्लम करोगे समझ में आ जाएगी। तो एक बार खुद बैठ के कि क्या गिवन है क्या नहीं, वो थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। जैसे ये वेसल है जिसमें लिक्विड है, ए के साथ मूव करवा रहे हैं, तो पी बी माइनस पी ए निकालना है, तो पहले एक काम करते हैं, पी सी माइनस पी ए निकालते हैं, पी सी माइनस पी ए इज एच रो जी में एल रो ए, फर्स्ट इक्वेशन, पी सी आ गया यहां से। अब ये वर्टिकल लेते हैं, पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू एच रो जी, पी सी की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट करेंगे तो यहां से पी बी माइनस पी ए कैन बी कैलकुलेटेड, इसी है। तो एक बार हॉरिजॉन्टल आएगा और एक बार वर्टिकल प्रेशर लेंगे, सिंपल है, इसमें तो प्रॉब्लम सेम है, जैसे इसमें भी सेम है, ए एक्सेलेरेशन है जिससे कि ये मूव कर रहे हैं, तो क्या हुआ, सूडो फोर्स से लेवल में डिफरेंस आ गया हाइट में, तो यहां पर हाइट एच वन है, यहां पर हाइट एच टू है और लेंथ क्या है, एल है, तो आपको हाइट का डिफरेंस निकालना है या ए निकालना है, चलो हाइट का डिफरेंस तो गिवन है, तो कुछ नहीं करना, आपको वन पॉइंट पे प्रेशर बोलो क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच वन रो जी, टू पे प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच टू रो जी, पी वन माइनस पी टू निकाल लो, पी वन माइनस पी टू हॉरिजॉन्टल में बोलो क्या होगा, एल रो ए, पी वन ऊपर से पुट कर दो, पी टू ऊपर से पुट कर दो, माइनस करो और ए कैन बी कैलकुलेटेड, तो वन और टू पे प्रेशर निकाल लो और पी वन माइनस पी टू करो, आंसर आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, जैसे अगर दो लिक्विड मिक्स होते हैं तो डेंसिटी मिक्सचर की शॉर्टकट फॉर्मूला, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम है, सिंपल, तो मास वी वन इंटू रो वन, वी टू इंटू रो टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, सेम ऐसे ही, अगर दो अलग अलग डेंसिटीज गिवन है तो भी रूल सेम है, मिक्सचर की डेंसिटीज टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। अब जैसे ये रहा, इसके अंदर एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2π√L/g है, अगर बॉब को पानी में डाल दिया तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो बॉब को पानी में डालेंगे तो एक्चुअल वेट क्या है, mg, वेट पानी में कम हो गया, कितना कम हो गया, mg माइनस u, तो नया वेट क्या आ गया, m इंटू जी डैश, मास तो चेंज नहीं होता, बॉडी का मास इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, और अब थ्रस्ट में वॉल्यूम ऑफ बॉडी या लिक्विड एक ही बात है, अब थ्रस्ट में हमेशा डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी, तो यहां से सॉल्व करके जी डैश निकाल लिया, 2π√L/g डैश में पुट कर दिया, तो यहां से टी डैश कैन बी कैलकुलेटेड, तो टी आएगा तो टी डैश भी आएगा।
ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, सर्कुलर ट्यूब है और आपको इसमें टैन थीटा निकालना है किसके इक्वल है। तो टैन थीटा के लिए रूल वही है यू ट्यूब वाला, आपको क्या करना है, ये पूरा आपको जो है ये पूरी ज्योमेट्री आपको गिवन है और इसमें इसमें कुछ ऐसे गिवन है, ये आपकी सर्कुलर ट्यूब है, ये सर्कुलर ट्यूब है, ये नीचे का लेवल ले लेते हैं लिक्विड का, यहां तक लिक्विड है, यहां तक लिक्विड वन है, ठीक, ये लिक्विड वन है, इसके बाद लिक्विड टू है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन एक्चुअल में लिक्विड टू है, तो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, ये लिक्विड टू है, ऐसे ऐसे, सच दैट ये सेंटर से पास करते हुए कुछ इस तरीके से ऐसे, ये रहा राइट, तो ये इस तरीके से, तो इसके अंदर ये एंगल आपको थीटा गिवन है और आपको ये एंगल भी थीटा गिवन है जो इंटरफेस है, ये रहा इनका इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब जहां ये दोनों लिक्विड्स मीट कर रहे हैं, ये रहा, तो ये एक लिक्विड है दूसरा लिक्विड है, ये थीटा गिवन है। और आपको करना क्या है, आपको इसमें ये करना है कि आप इसमें एक ये लेवल ले लें, ये लेवल ले लेते हैं, तो यहां का एच रो जी जो भी होगा लिक्विड का एच रो जी मस्ट बी इक्वल टू, यहां का टोटल जो एच रो जी होगा उसके इक्वल होगा तभी लिक्विड इक्विलिब्रियम में। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पे, क्योंकि ये आर है, क्योंकि ये थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये हाइट क्या आएगी, आर साइन थीटा, एक हाइट आ गई। अब मेरे को ये वाली हाइट भी निकालनी है यहां से यहां तक की, अब यहां से यहां तक की हाइट के लिए ये आर है, ये कितना है 90 माइनस थीटा है, तो अगर ये भी हाइट ले लेते हैं तो यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से आएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज, मान लो ये हाइट एच डैश है, एच डैश डिवाइडेड बाय आर, तो एच डैश इज इक्वल टू आर इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो आप चेक करो ये वाली हाइट क्या आएगी, आर कॉस थीटा, तो आप समझ सकते हैं आर साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। फिर वहां की हाइट देखते हैं, अब मेरे को कौन सी हाइट देखनी है, मेरे को अब ये वाली हाइट देखनी है नीचे वाली, ये वाली हाइट के लिए अगर मैं आपको टोटल हाइट ये वाली हाइट निकाल दूं, आप चेक करो इसमें ये जो हाइट निकालनी है मुझे लिक्विड के ऊपर तक की, राइट, इस हाइट के लिए मैं पहले यहां से यहां तक की हाइट निकाल लेता हूं, तो जैसे यहां पर किया हुआ है, ये हाइट अगर मैं कॉमन लेता हूं इसे, यहां से नीचे लेने का फायदा नहीं है, दोनों तरफ लिक्विड सेम है क्योंकि, तो अगर ये आर कॉस थीटा है तो ये भी आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा में से मैं ये हाइट निकाल लेता हूं जो कि साइन थीटा इज आर साइन थीटा आ जाएगी, तो आर ऑफ कॉस थीटा ये पूरी हाइट आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा में से आर साइन थीटा ये लिक्विड की हाइट आ गई, आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, मतलब ये जो हाइट आएगी वो आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, क्योंकि ये हाइट निकालनी है मुझे यहां से यहां तक की, नीचे तक बन गया मुझसे, ये हाइट निकालनी है ये वाली, तो क्योंकि ये वाली हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है आर कॉस थीटा, और ये वाली हाइट हमने निकाल ली इस ट्राइंगल से आर साइन थीटा ये वाली, तो बची हुई हाइट क्या आएगी, आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। इसमें सारा गेम सिर्फ ज्योमेट्रिक है, तो लेफ्ट और राइट पर एच रो जी को इक्वेट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, डेंसिटीज एक तरफ आएंगी, सॉल्व करेंगे तो टैन थीटा निकालेंगे, सिंप्लीफाई करके थीटा आएगा, मतलब रूल वही है, ज्योमेट्री आपको बनानी है वहां पे, आप कैसे ज्योमेट्री बनाएंगे बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है?